ही गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। गाइज, आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में फ्री वीपीएन को सेटअप कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कैसे हम फ्री वीपीएन को सेटअप कर सकते हैं अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। वीपीएन को सेटअप करने के लिए विंडो बटन पर प्रेस करके अपनी सेटिंग को ओपन कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं वीपीएन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आपको नहीं शो करता है तो आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वीपीएन शो करने लग जाएगा, उस पर क्लिक कर लेना है। वीपीएन कनेक्शंस के सामने आपको ऐड वीपीएन का बटन दिखेगा, इस पर आपको प्रेस कर लेना है। इस पर प्रेस करने के बाद ऊपर की साइड विंडोज़ बिल्ट इन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और नीचे की साइड कनेक्शन नेम में आप कुछ भी नेम टाइप कर सकते हो, अपना नेम टाइप कर सकते हो या फिर कुछ भी टाइप कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे माई वीपीएन टाइप कर लेता हूँ और उसके बाद नीचे सर्वर नेम और एड्रेस में, ठीक है। यहाँ पर हमें एक वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहाँ से हम सर्वर नेम और एड्रेस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे और गूगल पे जाके टाइप करेंगे वीपीएन गेट। ऐसा टाइप करने के बाद आपने सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद ये देख सकते हैं www.vpngate.net, इस वाली वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको और नीचे की साइड स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे कंट्री के सर्वर नेम और एड्रेस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और जितना नीचे जाएंगे अलग अलग कंट्रीज़ के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, मैं ऊपर चलता हूँ। पहले हमें सर्वर कॉपी करना है, ठीक है। तो ये उसका सर्वर होता है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, ये लाइक जापान कंट्री का ये सर्वर है, ठीक है, ये ऊपर की साइड। तो इसका पिंग यहाँ पे देख सकते हैं और स्पीड देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका पिंग 10 का है, ठीक है। जिसका पिंग कम हो आपको उसी को कॉपी करना है, उसके मतलब सर्वर को, ठीक है। तो यहाँ से मैं देखता हूँ और कोई, हाँ इसकी स्पीड अच्छी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी स्पीड ज़्यादा है और इसका पिंग भी कम है, ठीक है। तो यहाँ से इसके सर्वर को हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। और या फिर यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। इस पर सिंपली कॉपी करके यहाँ से, और उसके बाद इसका टाइप देख सकते हैं MS SSTP है, ठीक है। तो मैं सेटिंग में चलता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ऐसा करने के बाद आपको VPN टाइप में आना है और SSTP सेलेक्ट कर लेना है, जैसा कि हमने वहाँ पे देखा था, ठीक है। इसका टाइप SSTP है और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं डालना है। उसके बाद हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है, ठीक है। तो यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए हम उसी वेबसाइट पे आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र नेम VPN, पासवर्ड VPN, ठीक है, दोनों ही स्मॉल में VPN है। अब आपको क्या करना है कि अपने फिर से सेटिंग में आ जाना है और यहाँ पे आपको VPN टाइप करना है और पासवर्ड में भी VPN टाइप कर देना है और सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे एक कनेक्ट का बटन दिखेगा, ठीक है। अगर इस कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हो, और लगे आपको कि आपकी सेटिंग सही है तो आपको जस्ट कनेक्ट पर क्लिक करना है और ये थोड़ा सा प्रोसेस टाइम लेगा और उसके बाद आपका VPN कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम VPN से कनेक्ट हो चुके हैं, जो कि जापान का VPN है। तो गाइज, इस तरह से आप VPN को कनेक्ट कर सकते हैं। और इसका नीचे की साइड आपको एक बटन भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं माई VPN नेम से, और यहाँ ही से आप इसको डिसकनेक्ट या फिर कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हमने डिसकनेक्ट कर दिया, और अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो सिंपली आप यहीं से कनेक्ट कर सकते हो। बार बार आपको सेटिंग्स सेव करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, एक बार आप यहाँ पे आएंगे, बटन पे प्रेस करेंगे और ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से गाइस आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में VPN को सेटअप कर सकते हो। गाइस, वीडियो यूज़फुल लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।